बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छी ऑडियंस है यहाँ की, और यहाँ के जो सभी लोगों का हमारा काम बहुत पसंद आया, सब लोग बहुत खुश हुए और उनको अच्छा लगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और स्टूडेंट्स के लिए हम पहले भी कई बार परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जो यहाँ का मज़ा था वो अलग ही था, अमेजिंग था। हाँ, उस विधा बढ़ाया जा सकता है। मैं गंधर्मा विद्यालय में वायलिन सिखाता हूँ इस वक्त, और इस विधा को मैं आगे भी बढ़ा रहा हूँ उसके माध्यम से। हाँ, क्लासिकल म्यूज़िक को करना चाहिए, और क्लासिकल म्यूज़िक जा रहा है अपनी जगह, बहुत लोग क्लासिकल सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लासिकल डाउन हो रहा है या लोग कम सुन रहे हैं, काम अच्छा कर रहा है आदमी तो सब सुनते हैं लोग। सर आलिम खान साहब, आज आपने जो एक जो वायलिन वादन जो किया, तो आप इसमें कितने साल की तपस्या है? कम से कम 35 साल की। नहीं, मैं सर से ज़रा ये पूछना चाह रहा हूँ, इनफैक्ट मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि सर ने आज अपने बेटे को स्टेज दिया, आज उन्होंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी, उनकी अम्मी भी वहाँ बैठी हुई थी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मुझे बहुत खुशी हुई कि बेटा परफॉर्म करे, उससे खुशी की तो बात हो ही नहीं सकती है, खुशी की बात। ये एक बड़ा नेचुरल फैक्ट है कि हर बाप अपने बेटे को अपने से ऊपर देखना चाहता है, लेकिन आपको उस समय कोई नर्वसनेस, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने बताया बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, आपको कोई नर्वसनेस या थोड़ा सा इस तरह का कोई भाव आया? नहीं नहीं, थोड़ा बच्चे का वायलिन थोड़ा सा स्ट्रिंग उसका कुछ गड़बड़ था, तो मैं उसको बार बार कह रहा था कि उसका ध्यान रखना, क्योंकि क्या है कि ज़रा सा भी बेसुरा हो जाए तो प्रोग्राम ख़राब हो सकता था, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा इनक्रेज भी कर रहा था और भजवा भी रहा था। सही कह रहे हैं आप, ये बिमटेक को जाता है इसका क्रेडिट के, इतनी अच्छी जगह है और इतना यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर था, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। करते हैं कि आगे भी इसी तरह गौतमपुर जिले में आप आते रहेंगे और इस तरह की महफिल सजाते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत।